अस्सलाम वालेकुम ग्रेड एट, माई सेल्फ इज़ हिना शाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल ऑन द वीडियो लेक्चर्स अरेंज्ड बाय अमेरिकन ग्रामर स्कूल एंड आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस टू टेक द क्लासेस होल हार्टेडली। एज यू नो वी हैव डन आवर चैप्टर नंबर वन इन द फिजिकल क्लासेस, वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर टू विच इज़ अ डायलॉग। So, before starting my translation, I will tell you about actually what is dialogue. Dialogue is actually a conversation between two people. The conversation between a community or more than two people. So, let's get started our translation. Assalamu alaikum, uncle. Uncle, wa alaikum assalam. Where have you been, Qasim? We have met after a long time. Qasim, आप कहाँ थे? हम बहुत अरसे बाद मिले हैं. Qasim, I have been to Saudi Arabia, uncle. मैं सऊदी अरेबिया गया था. And I have just come back. और मैं अभी वापस आया हूँ, uncle. Why did you go to Saudi Arabia? Uncle, आप सऊदी अरेबिया क्यों गए थे? Qasim, you know, father is doing a job there. आप जानते हैं मेरे वालिद साहब वहाँ नौकरी करते हैं. एंड मदर इज़ देयर टू, और मेरी वालदा भी वहाँ है. आई वेंट टू सी देम, मैं उन्हें देखने गया था. पर्टिकुलरली मदर, ख़ास तौर पर. पर्टिकुलरली मीन ख़ास तौर पर, अपनी वालदा को. बिकॉज शी वॉज़ इल, क्योंकि वो बीमार थी. अंकल, आई एम सॉरी टू हियर दैट, मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ. हाउ इज़ शी नाउ, अब वो कैसी हैं? कासिम, शी इज़ फाइन अंकल, थैंक यू. वो अब बेहतर हैं, बहुत शुक्रिया. शी हैज़ नाउ फुली रिकवर्ड. स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ. यू मस्ट टेक द आई ऑन द वर्ड हैज़ एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बी द टेक्स्ट बुक हैज़ यूज हेयर, बिकॉज हेयर द ऑथर यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Because here the action has completed. So present perfect tense is that tense in which the actions are completed. She is fine uncle, thank you. She has now fully recovered. देखें आप has के साथ recovered word use हुआ है, because यहाँ पर recover की बजाय recovered use हुआ है. Here the author used the third form of verb with has because it's a rule. अब वो पूरी तरह सेहत याब हैं. रिकवर्ड मीन सेहत याब. अंकल, योर स्कूल आई हेयर हैज़ जस्ट री ओपन. आपका स्कूल मैंने सुना है कि बस दोबारा खुलने वाला है आफ्टर वोकेशन, छुट्टियों के बाद. एंड आई डोंट थिंक सो, यू हैव मिस्ड मच. आई थिंक विद जस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट, मैं सोचता हूँ कि थोड़ी सी मेहनत के बाद यू कुड ईजीली मेक अप योर डेफिशेंसी इन योर स्टडीज़. आप अपनी कमियों को, अपनी पढ़ाई में कमी को अच्छी तरह पूरा कर सकते हैं. डेफिशिएंसी कहते हैं कमी को, लाजमी नहीं है इट्स डेफिशिएंसी ऑफ स्टडीज़. डेफिशिएंसी मींस कमी, जनरली इट्स अ मीनिंग. कासिम, नो अंकल, आई हैव सर्टेनली मिस्ड मैनी इंपॉर्टेंट लेसन्स. नहीं अंकल, मैंने पहले ही बहुत से अहम इस असबाक को मिस कर दिया है. एंड आई नो आई हैव टू वर्क प्रिटी हार्ड. प्रिटी हार्ड मीन प्रिटी हार्ड का मतलब है बहुत मुश्किल. आई हैव टू वर्क प्रिटी हार्ड, मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है. आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डू सो, कि मैंने ऐसा शुरू कर दिया है. आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली. मैंने रेगुलरली यानी रोज़ाना के मामूल से क्लासेस लेना शुरू कर दी हैं. एंड माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी टू, और मेरा भाई भी इस सिलसिले में मेरी मदद करता है. अंकल, व्हेन आर योर एग्ज़ाम्स स्टार्टिंग? आपके इम्तहानात कब शुरू हो रहे हैं? कासिम, माई एग्ज़ाम्स आर नॉट सो फार. मेरे इम्तहानात ज़्यादा दूर नहीं हैं. फार का मतलब है दूर. दैट्स वाई आई हैव टू कम बैक फ्राम सऊदी अरेबिया. इसकी वजह से मैं सऊदी अरेबिया से जल्दी आया हूँ. आई नेवर वॉन्टेड टू मिस माई एग्ज़ाम्स. अंकल, हाउ अबाउट योर कोर्स इन साइंस? आपके साइंस के सबक क्या बना? हैव यू फिनिश्ड इट? क्या आपने कम्प्लीट मुकम्मल कर लिया है? वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर साइंस कोर्स. हम अपने साइंस के सबक के बिल्कुल ही
मतलब मुकम्मल होने के बिल्कुल ही करीब हैं. ओनली अ फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट. बहुत कम जो है वो चैप्टर्स रह गए हैं. आई एम नॉट वरिड सो मच अबाउट साइंसेस. मैं साइंस के मुतल्लिक इतना परेशान नहीं हूँ. माई रियल वरी इज़ दैट आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स. मेरी सबसे असल मुश्किल असल परेशानी की वजह इंग्लिश और हिसाब के इस्बाक की है. आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट्स रादर टफ. मैं इन दो सब्जेक्ट को ज़्यादा मुश्किल समझता हूँ. टफ कहते हैं मुश्किल को एंड दे आर इम्पॉर्टेंट टू और ये अहम भी हैं. बट आई एम ग्लैड दैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट इन दीज सब्जेक्ट्स. लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे भाई ने मुझे इसमें मदद करना शुरू कर दी है. माई ब्रदर इज़ अ टीचर. मेरा भाई एक उस्ताद है यू नो एंड ही हैज़ टॉट दी सब्जेक्ट्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स. देखें इस सेंटेंस में भी कंप्लीशन को शो किया है और जब भी एक ऐसी नरेशन आए जिसमें सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो आपने हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. माई ब्रदर इज़ अ टीचर यू नो एंड ही हैज़ टॉट दी सब्जेक्ट्स. मेरा भाई भी एक उस्ताद है और वो काफ़ी साल से इन मज़ामीन को पढ़ा रहा है. दैट्स गुड. आई एम ग्लैड टू नो दैट योर ब्रदर हैज़ थॉट इट फिट टू हेल्प यू इमिडिएटली. इमिडिएटली का मतलब है जल्दी से. ये बहुत अच्छा है. मैं खुश हुआ जान के कि आपका भाई आपको इसमें मदद कर रहा है. आई नो ही इज़ अ गुड टीचर. मैं जानता हूँ वो एक अच्छा उस्ताद है. व्हाट डू यू प्लान टू डू आफ्टर योर मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम्स. मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम्स के हमारे मैट्रिक के इम्तिहानात के बारे में बात हो रही है. व्हाट डू यू प्लान टू डू आफ्टर योर मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम्स. आपका मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद क्या करने का क्या प्रोग्राम है, क्या मंसूबा है. प्लान कहते हैं मंसूबे को. कासिम, आई हैव डिसाइडेड टू गो इन फॉर मेडिसन इफ़ आई गेट अ गुड पोजिशन. मैंने अद्वियात मैंने तिब में मेडिसन एक्चुअली तिब को कहते हैं. मैंने अद्वियात में जाने का फ़ैसला किया है बिकॉज देखो यहाँ पे भी फैसला हैड डिसाइडेड. ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज एक्शन. सो हेयर ही यूज़ हैज़ और हैव एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ डिसाइड. इफ़ आई गेट गुड पोजिशन. इफ़ हाउ एवर आई डोंट गेट गुड मार्क्स. लेकिन अगर मेरे अच्छे मार्क्स ना आए, नंबर ना आए, आई मे गो इन टू बिजनेस और एग्रीकल्चर. मैं ज़रात, एग्रीकल्चर कहते हैं ज़रात, और बिजनेस के शोबे में जाना पसंद करूँगा. वट एवर योर प्लान्स फॉर लाइफ आर अंकल. आपके ज़िंदगी के बारे में जो भी मंसूबे हैं, योर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड. आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. वी शुड नो दैट इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश एक बैनुल अक़वामी ज़बान है एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और साइंस और टेक्नोलॉजी की भी ज़बान है. कासिम, यू आर वेरी राइट अंकल. आई कीप दैट इन माइंड. माई स्कूल मैन हैज़ कम एंड आई मस्ट गो नाउ. अल्लाह हाफिज़. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल. इस बात को जहन में रखूँगा. आई कीप दैट इन माइंड. मैं इस बात को जहन में रखूँगा. माई स्कूल वैन हैज़ कम एंड आई मस्ट गो नाउ. अल्लाह हाफिज़. मेरी स्कूल की वैन आ चुकी है और मुझे अब जाना है. अल्लाह हाफिज़ अंकल. अल्लाह हाफिज़. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द डायलॉग. एक्चुअली आई थिंक यू मस्ट कोप अप विद द वर्ड डायलॉग. इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर. हेयर वी हैव द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरेबिया. कासिम सऊदी अरेबिया क्यों गया था. बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी हिज पेरेंट्स बिकॉज हिज मदर वॉज इल. व्हाई डिड कासिम कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया. वो सऊदी अरेबिया से वापस क्यों आया था. एज यू नो इन द ट्रांसलेशन वो सऊदी अरब से वापस इसलिए आया था बिकॉज ही हैज़ मिस्ड अ लॉट ऑफ वर्क हेयर. व्हाट टू सब्जेक्ट डज कासिम फाइंड टफ. आई नो प्यारे बच्चों, कासिम आपको पता है कि कासिम को इंग्लिश और मैथ्स में टफ क्रिएट हो रहा था. व्हाट हैज़ कासिम डिसाइडेड टू डू आफ्टर हिज स्टडीज़. कासिम अपनी स्टडीज़ के बाद क्या करना चाहता था. व्हाई डज कासिम्स अंकल थिंक दैट आर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड. कासिम के अंकल ने उसे क्यों कहा कि इंग्लिश उसकी अच्छी होनी चाहिए. बिकॉज ही नोज़ द इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज.
डियर स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज़ टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर कॉपीज ऑन योर नोटबुक्स. द रीडिंग हैज़ डन, ट्रांसलेशन हैज़ डन, एंड दीज क्वेश्चंस, द क्वेश्चन नंबर सी डी ई एंड ऑल द एक्सेप्ट एफ क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. For that video and this day, you have a homework of question answers. You just write the question answers on your copies. Plus, you will do the paragraph number. You will do the translation of first five dialogues in your copy. I will send you homework in the WhatsApp group. So that's all from this lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.